अगर आपका बैंक का कोई काम फंस रहा है तो आप उसे जल्दी से निपटा लीजिए, क्योंकि 30 और 31 मई को सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। कम से कम 10 लाख सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। प्रकाश, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, पिछले हफ्ते जो बैंक्स के यूनियंस हैं तमाम, उनकी बैठक हुई थी आईबीए के साथ वेज रिवीजन को लेकर। उसमें एक प्रस्ताव दिया गया आईबीए की तरफ से 2% वेज रिवीजन का। ये एक अहम मुद्दा है जिसकी वजह से बैंक कर्मचारी और जो यूनियंस है वो काफ़ी नाराज़ हैं। आपको बता दें कि हर 5 साल में बैंकों का, बैंक कर्मचारियों का वेज रिवीजन होता है, जो कि 2017 से ड्यू है, और उसको लेकर बैठकें चल रही है। पिछले हफ्ते जो बैठक हुई उसमें 2% सैलरी हाइक का प्रस्ताव दिया गया आईबीए की तरफ से, और जो कि बैंक कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, और इसी को आधार बनाकर 30 और 31 मई को बैंक कर्मचारी जो हैं देश भर में हड़ताल पर रहेंगे। किसी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करने की जो ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं आईबीए के सामने। सबसे अहम चीज़ ये है कि इसकी जो पूरी तैयारी है वो 16 मई से शुरू हो जाएगी, जिसमें आईबीए को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। उसके बाद आप देखिए, काली पट्टियां बांधकर बैंक कर्मचारी बैंक में काम करेंगे 28 तारीख को। पूरे देश भर में जितने ब्रांच हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उसके बाद 30 और 31 मई को देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए। तो 30 और 31 मई को हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए अगर कोई भी काम फंसा हुआ है तो पहले इसे पूरा कर लीजिए।